अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राशिद सरफराज और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीलॉग कश्मीर में। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा था, काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते थे कि मेरी यूट्यूब अर्निंग कितनी है और मेरी यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट जो थी वो मुझे कितनी मिली थी। तो आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप ने पहले ही जान लिया होगा कि आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि YouTube पेमेंट मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी थी, क्योंकि टाइटल और थंबनेल वगैरह देख के आपको पता चल गया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube अर्निंग जो होती है वो मैटर करती है आपके व्यूज़ पे, आपके चैनल पे कैसे व्यूज़ आते हैं, आपकी वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ आते हैं, उसी हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। क्योंकि जब आपके वीडियोज़ पे अच्छे से व्यूज़ आएंगे और उसमें जो एड्स चलते हैं उन एड्स के आपको पैसे मिलते हैं गूगल एडसेंस की तरफ से, वो पैसे आपके गूगल एडसेंस में आते हैं और उसके बाद फिर वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैंने सब अपनी मोनेटाइजेशन वगैरह सब कम्प्लीट कर ली और व्यूज़ आप सब जानते ही हैं कि मेरे यूट्यूब वीडियोज़ पर खास व्यूज़ नहीं आते हैं। हार्डली अगर 2-3 हज़ार व्यूज़ किसी वीडियो पर चले जाएँ, नहीं तो कम व्यूज़ कम आते हैं। तो ऑब्वियसली जब व्यूज़ कम आएंगे तो अर्निंग भी कम ही होगी। तो आज मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा कि मेरी यूट्यूब अर्निंग कितनी है और फर्स्ट पेमेंट मुझे कितनी मिली। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पे जब इंसान आता है, काम करता है, तो मिनिमम 2-3-4 साल लग जाते हैं यूट्यूब पे। और उसके बाद जब चैनल अच्छे से ग्रो होता है ना, उसके बाद फिर अच्छी अर्निंग हो जाती है, फिर स्पॉन्सरशिप भी मिलती हैं और YouTube ये Google Ads तो होते ही हैं वीडियोज़ में, उसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। या आप किसी और किसी ब्रांड वगैरह की एडवर्टीज़मेंट करेंगे या किसी शॉप पे जाएंगे उनकी एडवर्टीज़मेंट करेंगे, वहाँ से भी आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही यूट्यूबर की जो एक यूट्यूबर होता है वो अपने पैसे ऐसे ही कमाता है। तो मैं अब आपको बताऊँ मेरी जो अर्निंग है वो मुझे जब फर्स्ट पेमेंट, अभी मुझे एक ही पेमेंट मिली थी यूट्यूब की तरफ से क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं, तो एक पेमेंट मुझे आई। वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि YouTube कम्युनिटी ये जो गाइडलाइंस है उसके ख़िलाफ़ है कि आप अपनी अर्निंग शो नहीं कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ। YouTube पे आप अपनी अर्निंग जो है वो शो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आपके लिए मैं कुछ ऐसा क्लू दूंगा, आपके लिए कुछ ऐसा गैस दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको पता चल जाएगा मेरी फर्स्ट पेमेंट जो थी YouTube से वो कितनी आई थी। और जो मिनिमम पेमेंट होती है ना YouTube पे, जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं गूगल एडसेंस में और उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी, फिर चाहे आपको एक साल लग जाए $100 कंप्लीट करने में, या 2 साल या 5 साल या एक ही दिन, अगर एक ही दिन में आपके $100 कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट इस महीने की जो 22 तारीख होगी उस 22 तारीख को वो आपके $100 इंडियन करेंसी, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन मिनिमम है $100। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट कुछ इतनी आई थी, $150 के अंदर ही आई थी। तो आप चेक कर सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा कि मेरी फर्स्ट अर्निंग जो थी वो कितनी आई थी। तो ये थी अर्निंग की बात। अब मैं आपको बता दूं कि और कैसे इंसान पैसे कमा सकता है, और जैसे कि स्पॉन्सरशिप मिलती हैं, का कोई एप्लीकेशन का रिव्यू करना होता है, मैंने भी रिसेंटली एक एप्लीकेशन का किया था, तो उससे भी थोड़े बहुत इंसान पैसे कमा लेता है। ये कोई एडवर्टीज़मेंट वगैरह किसी शॉप वगैरह की करनी होती है तो अपने चैनल पे, हम वो भी व्लॉग का चैनल है तो वो भी एक हिसाब से व्लॉग बना के अपने चैनल पे डाल देते हैं, तो उससे भी अर्निंग हो जाती है। और मिनिमम जो चार्ज होती है आजकल, जो एक वीडियो की चार्ज होती है जो यूट्यूबर लेता है, अगर आपके चैनल पे मिनिमम 1000 व्यूज़ तक आ जाते हैं तो मिनिमम जो चार्ज होती है एक यूट्यूबर की एक वीडियो बनाने की, अगर मैं जैसे अपनी इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी एप्लीकेशन का रिव्यू यहाँ पे करूँगा आपको दिखाऊँगा, तो मिनिमम चार्ज उसकी है 2000 या 3000, इतने ले ही ले लेते हैं 100,000 व्यूज़ के अंदर ही अगर आपके पास आ रहे हैं, चाहे आपका चैनल कितना भी छोटा है या बड़ा है, अगर आपके वीडियोज़ पे 1000 व्यू तक आ रहे हैं तो आप इजिली 2-3 हज़ार चार्ज कर सकते हो। और हो गया दूसरा, हो गया अगर आप किसी शॉप वगैरह के पास जाओ, रेस्टोरेंट पे जाओ, उनकी एडवर्टीज़मेंट करो, उनके लिए एक पूरा व्लॉग बना दो, तो मिनिमम आप जो है 5-6000 तक चार्ज कर सकते हैं। इतना तो बनता ही है क्योंकि हार्डवर्क बहुत लगता है इसमें, और YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर लाना बहुत बड़ी बात है। फिर अगर आपका चैनल 10,000, 20,000, 30,000 सब्सक्राइबर ले आया है, आपका चैनल इतना बड़ा हो गया है कि आपके पास 30,000 सब्सक्राइबर है, मेरे पास तो अभी 18,000 है, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और मैं भी इतना ही चार्ज करूँगा अगर कोई मुझे ऑफ़र करे।
इस एडवर्टीजमेंट के लिए, तो ऐसे ही पैसे कमाते हैं। उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं अभी कमाए हैं, समझो मैंने 20-30 हज़ार रुपये अभी यूट्यूब से कमाए हैं। तो चाहे यूट्यूब के जो गूगल एडसेंस हैं उसकी तरफ से आए हों, या फिर स्पॉन्सरशिप आए हों, या और भी काफ़ी चीज़ें, फिर जब आप कंटेंट क्रिएटर हैं, जब आप कंटेंट बनाते हैं तो काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, काफ़ी सारे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें भी ऐसी कुछ वीडियो बनानी है, आप हमें बताइए आपकी कितनी चार्ज है, वो हम आपको देंगे और हम आपसे ये वीडियोस बनाएंगे। तो ऐसे ही 20-30 थाउजेंड तक मिनिमम मैंने अभी यूट्यूब से अर्न किया है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब चीज़ें आप काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि आप यूट्यूब पे गूगल एडसेंस से पैसे नहीं कमा सकते हो, बल्कि और भी काफ़ी सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, जब आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी और आप अच्छे खासे एक क्रिएटर बन चुके होंगे। तो ये सब चीज़ें जो थी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ काफ़ी सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आपकी यूट्यूब अर्निंग कितनी है, आपने आज तक कितना अर्न किया है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे लोग पूछना चाहते थे, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया, मेरी फर्स्ट पेमेंट, मेरी अर्निंग, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आपकी भी ख्वाहिश थी, आप भी कमेंट्स कर रहे थे कि हमें बताइए, तो मैंने बता दिया। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, अगर पहली बार चैनल पे आप में से कोई आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।